जिन सीटों को साधने की कोशिश इस दौरे के जरिए राहुल गांधी करेंगे वहां पर काफी क्लोज मुकाबला रहा है। तो ये तीनों सीट कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बार चाहती है जहां से पिछले चुनाव में खत्म हुआ है वहां से ही शुरू किया जाए और इस बार हो सके तो इन तीनों सीटों पर कब्जा भी जमाया जाए। जो पहले फेज में चार सीटों पर झारखंड का जो पहला फेज है उसमें जिन चार सीटों पर चुनाव हो रहा है उसमें तीन पर जो है बहुत नजदीकी मुकाबला है और मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जो है वो इन तीन सीटों पर उम्मीदें देख रहा है। उसे लगता है कि अगर यहां जोर लगाया जाए तो ये सीटें निकाली जा सकती है। दूसरी तरफ इसी उद्देश्य से बीजेपी ने यहां पर प्रधानमंत्री का प्रोग्राम लगाया क्योंकि उसे भी पता था कि यहां नजदीकी मुकाबला है तो ऐसे में प्रधानमंत्री आते हैं तो जो एक मोदी फैक्टर होता है उसकी वजह से उनकी तरफ वोट जाएगा। अब कांग्रेस ने जो है उसे न्यूट्रलाइज करने के लिए राहुल गांधी की सभा जो है यहां पर लगाई है। देखिए चमरा लिंडा फैक्टर जो है वो लोहरदगा में जो कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब हो सकता है। देखिए एक समय तो चमरा लिंडा के साथ क्या है कि वो दोनों के वोट काटते हैं, उनके कुछ वोट सुरक्षित हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा, बीजेपी के वोटों में भी कमी आएगी पिछले बार के चुनाव की तुलना में, आप ये मानकर चलिए, क्योंकि चमरा लिंडा जो है वो ट्राइबल वोट भी उनका जो अपना बेस है वो लेंगे ही लेंगे। और इसके अलावा जो है वो कांग्रेस को वहां नुकसान पहुंचा सकते हैं जहां क्रिश्चियन वोटों का सवाल हो और जहां माइनॉरिटी मतलब कि मुस्लिम वोटों का सवाल हो। अब अगर उनकी सभाओं में लोग उमड़ते हैं और अगर जाते हैं और अगर ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि क्या चमरा लिंडा जो है वो बीजेपी से फाइट में है या सुखदेव भगत जो है वो बीजेपी के फाइट में है, तो ये एक संशय की स्थिति जो है कांग्रेस के जो समर्थक वोटर्स हैं या उससे भी बेहतर ये कहिए जो मोदी विरोधी वोटर्स हैं उनके अंदर अगर ये चीजें आ जाती है तो फिर वहां पर वोट डिस्ट्रीब्यूशन की संभावना बढ़ जाएगी और ऐसे में नुकसान जो है कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। और मुझे लगता है कि इन्हीं वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के इरादे से राहुल गांधी ने लोहरदगा में जो है ये सभा लगाई है जो कि बसिया गुमला में होगी और इसके जरिए जो है वो इन सारे जो कंस्टिट्यूएंसी है उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी जब झारखंड के दौरे पर आएंगे तो उनका जो बोलना है जो वो बोलेंगे तो किन टॉपिक्स पर बोलेंगे। देखिए एक परेशानी की बात तो ये हो गई नवीन कि राहुल गांधी की सभा मंगलवार को है और सोमवार को ईडी की रेड पड़ती है जी। अब एक जो मन में सभी के है कि क्या राहुल गांधी इस टॉपिक पर कुछ बोलेंगे तो ये एक जो है राहुल गांधी के लिए जो है एक बात होगी कि वो इस पर क्या बोलते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कुछ सवाल जो है वो उठाए हैं जब वो अपने दो दिवसीय दौरे पर झारखंड आए थे, जब वो ये कहते हैं कि आरक्षण जो है वो बना रहेगा और जब वो कहते हैं कि इसमें जो ओबीसी के जो आरक्षण है और कर्नाटक में उसमें मुस्लिमों को लेकर आया जा रहा है, जब ये बात प्रधानमंत्री उठाते हैं तो क्या इसका जवाब राहुल गांधी देंगे, ये देखना भी दिलचस्प होगा। लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी जिन विषयों पर बातचीत करने जा रहे हैं मंगलवार की सभाओं में उसमें आप ये मानकर चलिए कि वो नरेंद्र मोदी पर हमलावर होंगे, वो ये बातें जरूर करेंगे, संविधान की बातें होंगी कि संविधान को नुकसान हो सकता है अगर बीजेपी की सरकार आती है तो, वो आरक्षण की बात जरूर करेंगे कि बीजेपी रही तो आरक्षण खत्म हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो बीजेपी जहां भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर फ्रंटफुट पर खेलने का प्रयास कर रही है वहीं पर जो आपको राहुल गांधी होंगे वो ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए ये जो है बदले की कार्रवाई है और ये विपक्ष को दबाने के लिए किया जा रहा है और केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। तो राहुल गांधी का जो भाषण होगा मुझे लगता है वो इनके इर्द गिर्द होगा। इसके अलावा एक और चीज को लेकर जो दिलचस्पी है लोगों की वो ये जानने
में है कि जिस इकोनॉमिकल सर्वे की बात राहुल गांधी ने कुछ सभाओं में की है इससे पहले, क्या उसकी चर्चा यहां पर भी होगी? देखिए, वो जो न्याय गारंटी की योजना है वो उसकी भी चर्चा करेंगे, महिलाओं के लिए जो आर्थिक सहायता की बात है कांग्रेस के न्याय गारंटी कार्यक्रम में उसकी भी चर्चा करेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो जो राहुल गांधी का भाषण है वो इसी के इर्द गिर्द होगा। बिल्कुल, राहुल गांधी के भाषण पर नजर बनी रहेगी कि आखिर वो किन विषयों पर बात करते हैं। आपने कई विषयों का जिक्र किया जिसे जरूर राहुल गांधी छूना चाहेंगे, क्योंकि झारखंड में इन चीजों की चर्चा होती रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर जिस तरीके से कांग्रेस हमलावर नजर आ रही है कि संविधान को खत्म किया जा रहा है, संविधान खत्म करने के जो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगातार लग रहे हैं, क्या इन चीजों को भी लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से मुखर नजर आते हैं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो ये जो दौरा है राहुल गांधी का बेहद अहम होने वाला है। चाईबासा और गुमला के बसिया में राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। एलीट इंस्टीट्यूट, अगर आपके अंदर चाह है तो एलीट आपकी राह है। आईआईटी हो या मेडिकल, आप चाहते हैं अपने आप को उत्कृष्ट दिखाना, आप चाहते हैं खुद को एक आईआईटीएम के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलीट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए एलीट इंस्टीट्यूट।